चिली एंड गार्लिक के तमाम देखने वालों को आज के इस वीडियो में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज मैं बनाने जा रही हूँ रसे वाले आलू। आपने कभी भंडारे में खाए होंगे रसे वाले आलू, वहाँ पर भी ये बहुत आम तौर पे होते हैं, और अगर सफ़र किया तो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर भी खाए होंगे, वो भी गरम गरम पूरियों के साथ। इसका नाम लेते ही मुँह में पानी आ जाता है, सोचते ही मुँह में पानी आ जाता है, इसका टेस्ट ही अलग होता है। तो आज मैं ये कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है आपको पसंद आए। रसे वाले आलू बनाने के लिए हमने लिए हैं ये चार आलू, मीडियम साइज़ के, लगभग 500 ग्राम होंगे। तो इनको हमने बॉईल कर लिया है, और इसके लिए मसाले हम यूज़ करेंगे 1.5 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ी प्याज जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, मोटी वाली हरी मिर्च जिसे हमने स्लाइस कर लिया, 1 पत्ता आप तेज़पात ले लें, ये हमारे पास छोटे तेज़पात हैं, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और थोड़ा सा हरा धनिया। 1/4 कप हमने ऑयल लिया है और फ्लेम ऑन है हमारा। इसमें हम डालेंगे ये चॉप्ड प्याज, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो रही है, अब इसमें हम डाल देंगे तेजपात और ये जीरा, और इसके साथ थोड़ा भूनेंगे। प्याज को बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस प्याजी प्याजी रहने देना है। जब तक प्याज ब्राउन हो रही है, हम इधर टमाटर काट लेंगे। टमाटर को बारीक स्लाइस कर लेंगे, इसे चॉप नहीं कर रहे हैं हम। हल्की प्याजी हो चुकी है प्याज, अब इसमें हम डाल लेंगे लहसुन का पेस्ट। आधा मिनट भूनेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर अच्छी तरह गल जाए इसलिए हम लो फ्लेम पर इसे ढककर 10 मिनट पकाएंगे। धनिए को भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। दस मिनट हो चुके और टमाटर बहुत अच्छी तरह गल रहे हैं। इसी के साथ ही हम ये सारे पाउडर्ड मसाले इसमें डाल देंगे, ताकि टमाटर और ये सारे मसाले भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और गल जाएं। थोड़ा पानी डालेंगे, और इसे 15 मिनट मीडियम फ्लेम पहले करेंगे, और फिर उसके बाद जब एक बॉईल आ जाएगा इसमें, तो फिर इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। उबाल आ चुका है, फ्लेम को लो करेंगे और इसे ढककर 15 से 20 मिनट पकाएंगे। 25 मिनट लगे मसाले को भुनने में, और देखें कितना अच्छा मसाला भुना है, ऑयल भी अलग हो गया है इससे, मसाले से परफेक्ट मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ये जले नहीं, और इधर हम आलू काट लेंगे। फ्लेम हम मीडियम कर देंगे ताकि बॉईल आ जाए। आलूओं को तोड़ लें या काट लें,
जैसे आपको आसान लगे, और थोड़े थोड़े करके आलू इसमें डालते रहें। आलू हमने डाल दिए और इसमें आपको जितना रसा रखना है उतना आप पानी डालिए, और पानी को उबाल कर ही डालिए। तो मैं थोड़ा इतना रखूँगी कि ये आलू के लेवल से ऊपर हो जाए पानी। अब इसे एक दो उबाल देंगे। उबाल आ चुका है, अब हम हरी मिर्च डाल देंगे इसमें और कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, और इसको 5 से 7 मिनट ढककर लो फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके और रसे वाले आलू तैयार हो चुके हैं। फ्लेम हम ऑफ करते हैं, अब डिश आउट करते हैं और आपके सामने पेश करेंगे। रसे वाले आलू तैयार हो चुके हैं। देखकर मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा, लेकिन आप जब भी बनाएं पूरी ज़रूर बनाएं और पूरी के साथ मज़े लेकर खाएं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक नए वीडियो में नई डिश के साथ हाजिर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।